आज हमारी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई है जो राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी अनुभव रखते हैं और हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय महासचिव तथा लोकसभा प्रत्याशी कैसरगंज माननीय श्री कुंवर दाहोरा जी, जिसका नाम क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश में लगभग सभी लोग जानते हैं और लगभग प्रदेश स्तर की सारी पार्टियां के जितने भी नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनसे लगभग सभी नेताओं से इनका चोली दामन का साथ भी रहा है। अब हम रूबरू होते हैं माननीय कुंवर दाहोरा जी से, इनका राजनीतिक क्या अनुभव है सीधे बात आप लोगों के समक्ष कराते हैं। माननीय कुंवर दाहोरा जी, आप पहले किसी और पार्टी में काम किए हैं, किन किन नेताओं से आपका क्या क्या हो रहा है आप जानना चाहते हैं? असल में हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत जी 1976 में हमारे छात्र जीवन से शुरू हुई, जब मैं कक्षा 9 का छात्र था यूनियन इंटर कॉलेज रामनगर में। वहीं से बाल सेवा दल का सदस्य बना, उस समय के बाल सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह जी ने, सांसद थे कुंवर रुद्र प्रताप सिंह जी ने, उन्होंने हमको बाल सेवा दल का सदस्य 14 नवंबर को अपने करकमलों से बनाया था। उसके बाद में कांग्रेस में काम करते रहे और फिर राणा साहब के हम चुनाव प्रभारी रहे कांग्रेस के वहाँ कैसरगंज में 1980 में, फिर 1984 में कांग्रेस में राणा कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हम प्रभारी रहे। 1987 में राणा साहब से कुछ नीतिगत उसको लेके हम जिलाकार समिति के सदस्य थे कांग्रेस के, राणा साहब से कुछ नाराजगी के चलते हमको इस्तीफा देना पड़ा अप्रैल में, और इस्तीफा देके हम लखनऊ चले गए। उसके बाद वीपी सिंह के नेतृत्व में जनमोर्चा का गठन हुआ था। 3-4 महीने 5 महीने हम जनमोर्चा में बने रहे, जिला का प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे रामपूजन पटेल जी, प्रदेश संयोजक थे। उसके बाद में हम चंद्रशेखर जी के साथ चले गए और फिर उन्हीं के साथ बने रहे। फिर 89 में सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से, केंद्र में जनता दल की सरकार बनी, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके 11 महीने बाद सरकार गिर गई, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया केंद्र में और प्रदेश में। कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर जी को दिया और चंद्रशेखर जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके 4 महीने बाद हरियाणा में के सिपाहियों द्वारा राजीव गांधी की जासूसी कराने के मुद्दे पे आरोप सरकार पे लगा तो चंद्रशेखर जी ने बिना देर किए हुए इस्तीफा दे दिया और चुनाव कराने की घोषणा कर दी। फिर चंद्रशेखर जी के साथ सरकार चली गई, फिर चंद्रशेखर जी के साथ हम बने रहे और उनके जीवन तक उनके साथ रहे और 21 साल हम उनके साथ रहे, और उनके न रहने के बाद भी 10 साल उनकी पार्टी में रहे, जबकि उनके ज्येष्ठ पुत्र नीरज जी सपा में चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उनके न रहने के बाद। उसके बाद उनके भाई के पौत्र रविशंकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, वो चले गए बसपा में। उसके बाद माननीय कमल मोरारका जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, विदेशों में कारोबार है और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे चंद्रशेखर जी की सरकार में। उसके बाद फिर कमल मोरारका जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हम बने रहे पार्टी में, राष्ट्रीय महासचिव रहे, और उसके बाद देखा कि वर्तमान स्थिति में क्योंकि वो बिल्कुल 80 साल की लगभग उनकी उम्र हो चुकी, तो हम देखे कि वो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और सपा के प्रति मेहरबान रहते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में हमको जो है सबसे बेटर हिंदू समाज पार्टी लगी और हिंदू समाज पार्टी में हमने जाना स्वीकार किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं कमलेश तिवारी जी, जो वो कहते हैं वो करते हैं, और हमारा जो इतिहास रहा है, मेरा निजी इतिहास जो रहा है, जो मैं कहूंगा वो करूंगा। हम ऐसे परिवार से आते हैं कि हमारे यहाँ झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं, जो हम कहेंगे वो करेंगे, जान रहे या जाए। हम जनता के लिए उतरे हैं, जनता के हितों के लिए आए हैं, तो किसान हित, जनहित और
इससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। रुकते हैं थोड़ी देर ब्रेक के लिए, फिर आगे देखते रहिए न्यूज प्लस इंडिया। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोढ़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। क्योंकि इसमें है दांतों के लिए सदियों से आजमाई गई 26 बेश कीमती जड़ी बूटियों का बेजोड़ मिश्रण। माननीय कुंवर दाहोरा जी, आप बता रहे हैं कि आपके मौजूदा सरकार भाजपा के 9 सांसद आपके संपर्क में, तो क्या आप में क्या ऐसी खूबी है जो वर्तमान सरकार में उनको सारे सबको लाभ मिल रहे होंगे? आपके पास अभी कुछ नहीं है, 9 सांसद आप काट रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या हुआ? स्थिति यह है कि बीजेपी जो है अपने करीब जहां तक जानकारी है 65% सांसदों का टिकट काट रही है। ये मीडिया से छन के आ रहा है, जो उसके सांसद हैं वो कह रहे हैं, और भी कई तरह से जानकारी आ रही है। तो इससे मेरा मतलब नहीं, वो उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, 65 काटे 35 काटे या एक भी न काटे, लेकिन जिन भी सांसदों को बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, उनको न मिलना होगा, तो इसीलिए तो 9 हमारे संपर्क में आए हैं जो ऑलरेडी हमारे संपर्क में बने हुए हैं। मैं भी नाम उनका नहीं ओपन कर सकता, क्योंकि मेरे पास उनकी फोन रिकॉर्डिंग भी है, फोन रिकॉर्डिंग भी उनकी, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग भी उनके मेरे पास है, जो मेरी वार्ता हुई है 9 लोगों की, और लंबी लंबी वार्ता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, लेकिन उसको चूंकि कुछ कारणों से उसको हम ओपन अभी नहीं कर सकते। तो 9 सांसद हमारे संपर्क में हैं, तो हमने कह दिया कि हम आपको टिकट, हिंदू समाज पार्टी आपको टिकट देगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस भी अपने सांसद को टिकट नहीं देगी, अगर वो चाहेगी तो हिंदू समाज पार्टी उसको टिकट देगी, क्योंकि अब भविष्य चूंकि हिंदू समाज पार्टी का होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो बेवकूफ बनाया। अगर ये हिंदुओं की वाकई तैसी है तो अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता हिंदू पार्टी रख ले, उसमें क्या दिक्कत है इनको? तो ये भारतीय जनता हिंदू पार्टी कर नहीं सकते, तो हमारी तो हिंदू समाज पार्टी है। पिछले दिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब आपके जिला बहराइच में आए थे, और सुनने में ये आया है कि वहाँ मीडिया वालों को पास में भटकने नहीं दिया गया, इसके बारे में आप देखिए, लोकतंत्र में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है और चौथा स्तंभ है, और आप मीडिया बंधु ही हैं जो किसी की मनमानी पे, किसी के तानाशाही पे अंकुश लगाते हैं और लगा सकते हैं, और जनता को जो सच है, क्या सच है, वो उसको दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। तो मीडिया को रोकना, मीडिया को न मिलने देना बहुत बड़ा गंभीर विषय है, और ये सीधे सीधे तानाशाही की तरफ इशारा करता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, खुली है। और हम तो मतलब कैसागंज क्षेत्र के लोगों को कहते हैं कि उठो क्षेत्र के मतदाताओं, कुंवर दाहोरा ने अब ललकारा है, नहीं बपोती किसी की इस पर, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र हमारा है, आजादी के 70 वर्षों में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं, पर वोट सभी को प्यारा है, उठा के बीड़ा दाहोरा ने शपथ ली, जब तक कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र का विकास ना हो तब तक संघर्ष हमारा है। चलिए मान लिया, भगवान करें आप सांसद हो जाएं, अगर सांसद होने के बाद में आपका गृह जनपद, गृह क्षेत्र कैसरगंज है, अभी बाकी रणनीति क्या होगी? अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, सांसद बनने के बाद प्राथमिकता क्या होगी ये तो बाद में तय की जाएगी, पार्टी तय करेगी, लेकिन ये है कि हम हमेशा जनता के लिए समर्पित थे, समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। 14 अगस्त को जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू समाज पार्टी के कमलेश तिवारी जी अयोध्या गए थे, गेट नंबर 3 तोड़ दिया था, उसके बाद गिरफ्तार हो गए थे, उसी दिन ऐलान किया था 6 दिसंबर को अयोध्या आएंगे और कार सेवा करेंगे। हम 6 दिसंबर को जा रहे हैं अयोध्या? हाँ, हम 6 दिसंबर को अयोध्या जा रहे हैं, पूरी ताकत से जा रहे हैं, और हमारी कैंपेनिंग मतलब नेटवर्किंग चल रही है, बहराइच से देवीपाटन मंडल से 50,000 का टारगेट है अयोध्या जाने का, जिसमें बहराइच से करीब 20,000 लोग हम अयोध्या जाएं, 20,000 के लोग हमारे साथ अयोध्या जाएंगे, और चारों तरफ से कई प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, कई संगठन या कई संस्था के लोग समर्थन दे रहे हैं, वो खुद आएंगे अयोध्या, और 6 दिसंबर को हम अयोध्या पहुंचेंगे और कार सेवा करेंगे, रामलला का तंबू उखाड़ फेंकेंगे, और हम नींव रखेंगे, चाहे 2 ही ईंटें हम खोद के रखें, लेकिन नींव रखेंगे, हम नींव डालेंगे, हिंदू समाज पार्टी नींव रखेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर दाहोरा जी।